ये तो आत्मानंद के लिए, स्वांत सुखाय, ये तो अपने आनंद के लिए कथा है। इसलिए चातुर्मास की पवन की तरह से हमारी कथा चल रही है, कहीं से भी निकल रहे हैं। भगवान भी मंडलेश्वर बन गए, एक मंडली भगवान की भी है। सुबलतोष, प्रतोष, श्रीराम, उनके भैया बलभद्र, सुभद्र आदि। देखिए, बल पाकर आदमी भद्र नहीं रहता, अभद्र हो जाता है। बहुत बल मिले लेकिन वहां बल की अधिकता के कारण वो भद्र हैं। भद्रम कर्णे भिष्णुयाम देवा, अथवा यद भद्रम तन्न आसुव सवितर दुरितानि परासुव। बेकार की चीजें निकालना सीखिए। तो भगवान की भी एक मंडली है, ग्वाल मंडली भगवान की, जो गौचारण के लिए चल पड़ी। इधर राधा की भी एक मंडली है, और वे जो गोपांगनाएं थीं, महापुरुषों का कहना है वो सब सिद्ध पुरुष थे, वे ब्रह्मज्ञानी ऊर्ध्वरेता, वे नित्य सिद्धा, स्वयं सिद्धा गोपांगनाएं, कुछ मंत्र सिद्धा, कुछ रूप सिद्धा। वैसे भी सिद्धों की या सिद्धि की या सिद्ध पुरुष की जब चर्चा की गई है तो ये पांच प्रकार से सिद्धियां बताई हैं। ये पांच सिद्ध बताए गए हैं, जन्म जा, मंत्र जा, तप जा, औषधि जा, जन्म जा। सिद्धा नाम कपिलव मुनि, जन्म जा, मंत्र जा, तप जा, औषधि जा, समाधि जा। समाधि से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, पर औषधियों से भी, वन में, उपवन में, गिरिकंदराओं में, हिमपत्तिकाओं में, अथवा नदिया के तट पर, झील जलाशय में, और ऐसे प्रकृति के साथ भी वे सिद्ध हो गए। निकल पड़े थे जंगलों में और ये वस्त्र उनके काशाय हो गए, ये अपने आप ही रंग गए, प्रकृति ने रंग दिया उनको, अग्नि वस्त्र हो गए ये। ऐसे औषधि जा, तब से भी व्यक्ति अपने को सिद्ध कर लेता है। मंत्र जा, मंत्र से भी, मंत्र बड़ी चीज है, मंत्र से आप समर्थ हो सकते हैं। मंत्र की सत्ता आप में जागृत हुई, मंत्र तो बीज ही है भगवान का, जो भगवान में वो प्रकट होने लगता है। जन्म जा, वे सिद्ध पुरुष थे, जो गोपांगनाएं बनकर आई, वे सामान्य नहीं थे। उनके लिए कुछ पुराणों में चर्चा है कि उसी रध्वज, कुशध्वज नाम के कई प्राणी, जैसे मानो स्वयं एक ब्रह्म विद्या ही तप कर रही थी कि मुझे भगवान की गोपांगना बनना है। ऐसे गोपियों की बड़ी चर्चा है। गौचारण के लिए भगवान, और वो उनके लिए ही हैं, भगवान गौ के निमित्त ही हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन हाँ एक बार जरा पढ़ लेना, एक पुस्तक है, टू किल काओ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन एक पुस्तक का नाम है। आप सर्च इंजन में डाल के देखिए, गूगल अगर देवता है, गूगल अगर बाबा है, और अगर मान लो वो कोई ऐसा है तो डाल के देखो ना उसमें। ये www जानते हो कौन क्या है, कौन, कब, कहां, कैसे और क्या, सब बता देगा ये www। इस www है, पता है क्या है, कब, कौन, कहां, कैसे और क्या, अब ये सब बताने लगा है। तो इसमें डाल कर देखो, टू किल काओ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, इस पर शोध हो रही है कि ये मानवीय अस्तित्व का आधार है, इसे मारो मत। और जब कभी उसकी तंद्रा टूटती है, जब उसकी समाधि भंग होती है, कभी उसकी निद्रा भंग होती है, जब कभी उसके अंदर करुणा पैदा होती है, तो गौ की पुकार सुनकर ही वो धरती पर अवतार लेने के लिए आता है। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता, गौ द्विज हितकारी, गौ द्विज हितकारी। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो कोई एक एनिमल की मैं प्रशंसा कर रहा हूं, पर सच है कि उसमें प्राण सत्ता है, ह्यूमैनिटी वहां बसती है,
मनुष्यों की वो आधार है, मनुष्यता तब बचेगी जब ये पशु बचेंगे। और ये गाय क्या, सारे पशु क्यों मार रहे हैं उन्हें हम, एक गाय क्यों, सारे पशु, फिर एक ही नदी क्यों गंगा, सारी नदियां, फिर एक ही वनस्पति क्यों, सारी वनस्पतियां। हमने बहुत आदर दिया है तुलसी को, बिल्व को, धतूर को, शमी को बहुत आदर दिया है हमने, पर सच मानिए हमने घास के तिनकों को भी बहुत आदर दिया है, वो गणेश के माथे पे चढ़ाए हैं हमने। सारी वनस्पतियों का आदर होना चाहिए, सारे पशुओं का आदर होना चाहिए। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जितनी मुझे गाय प्यारी है उतना ही आदर मैं चींटी को देता हूं, उतने आदर सारे पशुओं के लिए है। जितना मेरे लिए आदरणीय मेरा गुरु और मेरा इष्ट है, उतना ही आदरणीय मेरे लिए प्रत्येक पंथ का ग्रंथ है। ये कौन सी बात हुई कि आपका ही ग्रंथ महान है और दूसरे का ग्रंथ ठीक नहीं, ये कौन सी बात हुई कि आपका ही पंथ महान है और दूसरे का पंथ ठीक नहीं। भगवान ने उद्धव को उपदेश देते हुए कहा था, श्रद्धा तु भागवते शास्त्रम अनिंदा अन्यत्र शास्त्र भी। ये बात ठीक नहीं रहेगी कि आप अपनी बात को अच्छा कहें और दूसरे की बेकार है, उनके ग्रंथ, उनकी उपासना, उनके ध्यान धारणाएं वो ठीक नहीं। लेकिन आप भगवान निकल पड़े थे गौ रक्षा के लिए, गौचारण के लिए, इसलिए उनके अनेक नाम होंगे। मुझे तो उनका एक ही नाम बहुत अच्छा लगता है और वह गोपाल। तो माधव है, मुकुंद है, बनवारी है, गिरधारी है, न जाने कितने नाम है। कोई मुझसे पूछे आपको कौन सा अच्छा लगता है, मुझे तो गोपाल अच्छा लगता है, गोविंद अच्छा लगता है, क्योंकि जो गौ के साथ खड़ा है, गौ माने एक सिंबॉलिक बात कर रहा हूं, जो एनिमल्स के साथ है। और कौन सा देवता है जो एनिमल्स के साथ नहीं है, एक बंदर को, उस बंदरों के साथ है राम, अरे कौन सा देवता नहीं है। और वो अनेक जो संदेश वाहक आए, वो भाई देखिए कोई भेड़ों के साथ है, कोई बकरियों के साथ है, कोई घोड़ों के साथ है, हाई ग्रीव हमारे देवता हैं, वेद उन देखिए मुख वेद का है ग्रीव, तोते का हम आदर कर रहे हैं, जो भेड़ बकरियों का आदर नहीं कर सकते, जो अश्व का आदर नहीं कर सकते, जो छोटी चींटी का पल्लव औषधियों का पत्रों का आदर नहीं कर सकते, सच मानिए वो परमात्मा को नहीं देख सकते। जब तक आपको चींटी में प्राण न देखें, जब तक वनस्पतियों में न देखें, इस निमित्त गोपाल निकल पड़ा गौचारण के लिए। एक कोई हमसे पूछ रहे थे कि भगवान ने आपको बहुत सी चीजें दी हैं, कुछ कमी भी छोड़ी है क्या। मैंने कहा एक कमी छोड़ी है, भगवान ने आपको बहुत दिया है। एक हमारे कल मित्र आए पुराने, कोई कह रहे थे, भीड़ में एक साधु आ गया और वो हमसे कह रहे थे भगवान ने बहुत दिया है। हमने कहा बहुत दिया, हमें भगवान की कृपा से हमें गुरु मिले, हमें संत मिले, हमें सत्संग मिला। तो बोले कुछ कमी भी है क्या। मैंने कहा एक बात की कमी है। बोले क्या। मैंने कहा समय कम दिया है भगवान ने, करना ज़्यादा चाहते हैं, कथा के लिए समय कम मिलता है, कुछ करने जाओ तो समय कम मिलता है, समय का टोटा घाटा सा दिखाई देता है कि और समय होना चाहिए और ये समय फिर हाथ नहीं आएगा। तो सच मानिए कोई हिमालय का ऋषि मुनि आकर कोई जड़ी बूटी दे और कहे कि जड़ी सूंघ लो और आप सुंदर बन जाओगे तो सच माना जा सकता है। और कोई ये भी आकर कह दे सिद्ध पुरुष कि ये कुछ उपाय हैं, इससे आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, तो भी सच माना जा सकता है। पर कोई आकर सिद्ध ये कह दे आपका बीता हुआ कल और पल लौटा देंगे तो जरा कठिन सा लगता है। कोई आकर कहे कि लीजिए आपका बचपन लौटा देते हैं, बीत गया यौवन तरुणाई लौटा देते हैं, जो समय चला गया है उसे वापस कर देते हैं, वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखें। जिस दिन कुछ अच्छा करने चलोगे समय कम दिखेगा आपको, और समय बहुत कम है हम सबके पास। जो समय मिला है इसका सदुपयोग करें, कि व्यर्थ की बातों में न जाए, कहीं और न निकल जाए।